परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर्व पर भगवान महाकाल की गेर निकाली जाती है। रविवार शाम को ये गेर महाकाल मंदिर से शुरू हुई। इस गेर से पहले सभा मंडप में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने ध्वज पूजन किया। यहां मंदिर के पंडित पुजारियों ने मंत्र उच्चारण किए। ये बता दे कि महाकाल मंदिर की गेर में सिंधिया राजघराने के ध्वज के साथ ही प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भेजा गया ध्वज सबसे आगे रहता है। इसके पीछे वे ध्वज चलते हैं जो भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर लेकर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पंडित पुजारी और जनप्रतिनिधियों ने परंपरा अनुसार सत्र प्रदर्शन किया। खास बात तो ये रही कि महाकाल मंदिर के सभा मंडप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंदिर के पुजारी शस्त्र प्रदर्शन कर कलाबाजी दिखाते नजर आए। यहां बता दें कि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रूप पहले भी कई बार देखा जा चुका है। यहां बता दें कि इस गेर का स्वरूप बड़ा भव्य होता है। इसमें उज्जैन सहित आसपास के जिलों के बैंड शामिल होते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी कलाकार बुलवाए जाते हैं। रविवार शाम को महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने गेर में शामिल होकर वाद्य यंत्रों की आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही उज्जैन सहित आसपास के जिलों के बैंड ने संगीत से समा बांधा। बधाई।